कमिश्नर साहब, अगर कि मुझे आज ये दूसरा दूसरा पानी का पानी हो जाए, इन लोगों को राजनीति हो रही है और इन लोगों को राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसे कष्ट दे रखा, दोबारा कष्ट ना दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़, मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। आज स्टैंडिंग कमेटी थी नॉर्थ एमसीडी की और आज हंगामा हुआ है विकलांगों के लिए लगी रेडी पटरियों को लेकर चर्चा शुरू की थी इस विषय पर अजय शर्मा ने, जो कि निगम पार्षद भी हैं और सदस्य भी हैं स्टैंडिंग कमेटी के। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप जो विषय रखना चाह रहे थे वो विषय क्या था? मैं ये विषय रखना चाह रहा था कि गरीबों के लिए जो रेडी पटरी लगनी चाहिए थी, गरीबों को तय बाजारी मिलनी चाहिए थी, यही मेरा विषय था। मेरे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे विकलांग आए, उन्होंने रातों रात तख्त लगाया और उसमें हमारे पास के पार्षद मिले हुए थे और रातों रात पता लगा कि उन लोगों का सर्वे कराया जा रहा है। मुझे पता लगा, मैंने जानकारी ली कि उन्हें गुमराह करा जा रहा था, रातों रात सर्वे नहीं होता। जैसे अभी आपके सामने डीसी साहब ने यहाँ पे बताया कि उनका सर्वे नहीं हुआ और उनके ही वार्ड में जो पड़ोस वाली पार्षद थी, 750 से ज़्यादा सर्वे आप लोगों ने कराए हैं और उसमें सारे के सारे बोकस पाए गए हैं। तो मेरा इतना ही कहना था कि विकलांगों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे इतना पता लगा कि उन विकलांगों से पैसे भी लिए गए सर्वे कराने के लिए, पर उन्हें गुमराह करा गया है। किस आपको किन जो पता चला है कि जो पैसे ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं वो लोग? देखिए, मुझे कुछ पता लगा, जैसे हमारे अश्वनी बागड़ी जी भी कहते हैं मैं टाउन वेंडिंग का मेंबर हूँ, इनका कोई भाई भी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे इनसे पता लगा, विकलांग लोगों ने ही बताया कि इनका सर्वे के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। मेरे पास एक वीडियो भी है, मुझे पता लगा कि घर के अंदर बैठ के सर्वे कराया जा रहा है। मेरी पर्सनल सोच ये कहती है, जो इंसान रेडी पटरी लगा रहा है, चाहे वो 10 साल से लगा रहा है, चाहे 20 साल से लगा रहा है, चाहे वो 5 साल से लगा रहा है, उसका सर्वे होना चाहिए। उसका सर्वे होने के बाद आपके इस सवाल के ऊपर एक और सवाल किया है कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने, कि अगर आपके पास इस तरह की कोई वीडियो है तो आप अपनी जेब में क्यों रखे घूम रहे हैं, आप उसको साझा क्यों नहीं करते हैं, ताकि ऐसे लोगों पर जो शिकंजा है वो सामने आए। मैं आपको वीडियो दूंगा नहीं, पर आपको फोन में दिखा दूंगा और मैं ये वीडियो मेरे कैमरामैन उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कमिश्नर साहब के पास भी भेजूंगा और ये वीडियो डीसी साहब के पास भी है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, ऑफ रिकॉर्ड नहीं करता। और जैसे मुकेश गोयल जी ने कहा, मुकेश गोयल जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है और बहुत तजुर्बेकार है और उन पर भी उन्हें पता है कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। ये थोड़ी वीडियो दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि बैक में उस ये सर्वे हो रहा है, बस इतनी ही दूंगा। इसके पीछे वो पत्रकार भी आ जाता है, क्योंकि मुझे उसने मना करा गया है कि मुझे ये वीडियो नहीं देनी। मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास जब प्रूफ होता है मैं प्रूफ पे उस पर ही बात करता हूँ। तो मैंने तो इतना कहना चाहूँगा, जब घर के अंदर आप सर्वे कर रहे हो, आप करोड़पति लोगों को सर्वे कर रहे हो, रेडी पटरी मिलनी चाहिए गरीब तबके के इंसान को, जो बेचारा धूप में खड़ा होता है, जो बारिश के अंदर खड़ा होता है, जो पानी में खड़ा होता है, जो पूरे पूरे घंटे खड़े होकर रेडी पटरी लगा के अपना घर, बच्चों का घर पालता है। आपने अभी इशारों में ये इशारा किया कि अश्वनी बागड़ी और उनके जो भाई वगैरह हैं वो एक कमेटी के मेंबर हैं, इस वजह से आपको शक है कि कुछ इस तरह की गतिविधि हो रही है, कि कुछ लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, इस तय बाजारी है जो भी चीज़ें इस समय चल रही हैं। लेकिन इसी के पलट आपके ऊपर भी आरोप लगाया है, अश्वनी बागड़ी कह रहे हैं कि आपको डर है कि आपकी जो आपके पास जो हफ्ता आता है इन लोगों के थ्रू वो बंद हो जाएगा, इसलिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, हफ्ता आता या नहीं आता ये अश्वनी बागड़ी नहीं बताएगी, यहाँ की जनता बताएगी, क्योंकि जनता ही वोट देती है और जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है, ठीक है? क्योंकि ये अश्वनी बागड़ी जी बताने वाले कोई नहीं होते। अभी आपके सामने डीसी साहब ने बताया कि अश्वनी बागड़ी जी के वार्ड में 700 से ज़्यादा सर्वे हो गए, विकलांगों के सर्वे कितने करे गए, कितने विकलांग बिठाए, ये पूरी दुनिया जानती है, चेयरमैन साहब भी जानते हैं, कमिश्नर साहब भी जानते हैं कि कितने खोखे आपने लगाए, कितने खोखे आपने बेचे, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस समय आप इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय पर पूनम बागड़ी आती हैं, कुछ दिव्यांगों को अपने साथ ले आती हैं और कुछ लोगों को ये शंका होती है कि ये आप दोनों की मिली भगत है, लेकिन आप मना कर देते हैं, क्या रहा इस सब चीज़ें, इस पूरे जो ये सीन हुआ है यहाँ पे क्रिएट, क्योंकि सदन की मर्यादा है किस तरह से चर्चा के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, बावजूद इसके इस तरह की चीज़ हुई है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, पहला नंबर तो मैं ये कहना चाहूँगा, अश्वनी बागड़ी जी ने मेरे ऑफिस में भी हंगामा करा था और बहुत सारे लोग लेके भी आए थे और मैंने इसकी कंप्लेंट भी करी थी। अगर मैंने कंप्लेंट नहीं करी होती तो मुझे वो इंजाम लगा सकते थे। दूसरा नंबर ये कहना चाहूँगा कि अश्वनी बागड़ी जी कौन होते, और मैंने बहुत सारे पत्रकारों को भी बताया था कि मैं आज रेडी पटरी की आवाज़ उठाऊंगा, मैंने विकलांगों को भी बताया था, हो सकता किसी ने ये बात लीक करी हो, पर मुझे तो ये कहना बहुत ज़रूरी है, आज यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, आपके घर के अंदर कोई भी इंसान आ जाएगा, कोई भी आपके घर में घुस जाएगा और कुछ भी करके चला जाएगा, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी शासित एमसीडी की बनती है, चेयरमैन साहब की बनती है कि कोई भी इंसान कैसे अंदर आ गया, कुछ हादसा कर जाते उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो इसमें
अजय शर्मा के ऊपर इंजाम लाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इन्हीं की कोई तालमेल हो, इनकी कोई सेटिंग हो, इनकी कोई मिली भगत हो जिसके द्वारा वो अंदर आए। तो ये थे अजय शर्मा, जिन्होंने रेडी पटरी जो कि दिव्यांगों के लिए लगने वाली रेडी पटरी है उसके ऊपर एक चर्चा का विषय रखा था, लेकिन वो हंगामे की भेंट चढ़ा। लेकिन आने वाले समय में ये जो मुद्दा है वो क्या करवट लेता है वो आने वाला समय बताएगा। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।